नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ स्वाति ढल। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के 3 साल का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले ऑल इज वेल, आर्थिक नीतियों में कोई कमी नहीं, देश बढ़ रहा है आगे। नोटबंदी के वर्षगांठ पर विपक्ष ने तैयार किया प्लान, बीजेपी को घेरने के लिए 8 नवंबर को विपक्ष मनाएगा काला दिवस। आजमगढ़ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को दी धमकी, हिंदूवादी सोच नहीं बदलेंगे तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 101 अंक की बढ़त के साथ बंद, निफ्टी में देखिए 23 अंकों की बढ़ोतरी। और आईपीएल टीम कोची टस्कर्स ने बीसीसीआई के खिलाफ आर्बिट्रेशन का केस जीता, बीसीसीआई से मांगा 850 करोड़ का हर्जाना। तो ये थी अब तक की सुर्खियां, रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। गुजरात चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी वैसे वैसे बीजेपी पर जबरदस्त हमले बोल रहे हैं। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने के बाद आज एक बार फिर राहुल ने जीएसटी को नई परिभाषा दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार जीएसटी का मखौल उड़ाने के लिए फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी के ट्वीट का मतलब है ये कमाई मुझे दे दो। राहुल ने जीएसटी लाने का श्रेय कांग्रेस को देते हुए कहा कि कांग्रेस की जीएसटी का मतलब जेन्युइन सिंपल टैक्स है। इससे पहले गांधीनगर में ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर की रैली में भी राहुल ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उसी तर्ज पर आज उन्होंने फिर से जीएसटी पर निशाना साधा है। रविवार की रैली में राहुल ने कहा था कि जीएसटी हम लाए और उसमें कारोबारियों की दिक्कतें दूर करने के सभी प्रावधान थे, लेकिन इस सरकार ने हमारी एक बात नहीं मानी। कांग्रेस एक टैक्स लगाना चाहती थी, लेकिन सरकार 5-5 टैक्स लेकर आ गई। हम 18% का कैप लगाना चाहते थे, वह बात भी नहीं मानी गई। और अब नतीजा ये हुआ कि कारोबारी जीएसटी से परेशान घूम रहा है, लोगों का बिजनेस ठप हो गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। गुजरात में तो मानो मोदी लहर अब विरोधी बन गई हो, क्योंकि 22 सालों से साथ दे रहे पाटीदार इस बार बीजेपी के लिए ही परेशानी बन गए हैं। यहां तक कि हार्दिक पटेल ने तो यह तक कह दिया है कि गुजरात बदलाव की राह पर है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग मुझे कांग्रेस का एजेंट कहते हैं वो खुद बीजेपी के एजेंट हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से नहीं मिला हूं, लेकिन जब मिलूंगा पूरे हिंदुस्तान को बता के जाऊंगा। होटल के सीसीटीवी फुटेज के सामने आने पर भी हार्दिक ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दिल पर हाथ रखे और बोले कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं कैश बम वाले मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी को अपना सदस्य बनाने के लिए अब 1 करोड़ देना पड़ रहा है। हार्दिक ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और ये बदलाव होकर रहेगा। आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी अल्पेश ठाकुर की रैली में शामिल होने के लिए गुजरात गए थे। वहां उन्होंने कई पाटीदार नेताओं से मुलाकात की थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल ने हार्दिक से भी मुलाकात की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। गुजरात में तो विपक्षियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी के लिए कम परेशानी नहीं है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले अध्यादेश के लिए विपक्ष विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस के साथ साथ अब तो पत्रकारों ने भी राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लोक सेवक संशोधन बिल के विरोध में आज दूसरे दिन भी राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के सदस्य बिल वापसी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारी बचाओ बिल के विरोध में बीजेपी के 3 विधायक भी कांग्रेस के साथ नजर आए। बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी ने भी वसुंधरा सरकार से मांग की है कि वो लोक सेवकों को बचाने वाले इस बिल को वापस लें। दूसरी तरफ खुद के घर में घिरी वसुंधरा सरकार को पत्रकारों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। आज पत्रकार समुदाय भी इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरा। बिल को लेकर हो रहे विरोध के बीच अब वसुंधरा सरकार भी बैकफुट पर आती नजर आ रही है। खबर है कि बिल पर पुनर्विचार किया जा रहा है। खबर ये भी है कि मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि कुछ समय बाद अजमेर और अलवर में उपचुनाव है और अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बिल को लेकर विवाद सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने इस विवाद को दूर करने के लिए ये बिल प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसके तहत किसी भी पूर्व जज, लोक सेवक, कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
गुजरात और राजस्थान में तो बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है ही, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने खिलाफ बोलने वाले मर्सल फिल्म के निर्माता काउंसिल के अध्यक्ष विशाल पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इसी बहसबाजी के बीच उनके घर छापा मारा गया। दरअसल जीएसटी पर बनी तमिल फिल्म मर्सल को बीजेपी नेता एच राजा ने ऑनलाइन देखने की बात कही थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए विशाल ने कहा था कि एक राजनेता होने के बावजूद राजा कैसे पायरे का समर्थन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा से माफी मांगने की भी बात कही थी, जिसके बाद सफाई देते हुए राजा ने कहा था कि उन्होंने पूरी फिल्म नहीं बल्कि कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर देखी थी। लेकिन इस बयानबाजी के एक दिन बाद ही आयकर विभाग ने अभिनेता विशाल के चेन्नई स्थित प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर पर छापा मारा, जिसने मामले को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छापे से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि प्रोडक्शन हाउस ने जीएसटी के भुगतान में कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। छापेमारी के बाद विशाल ने कहा कि यह छापा आईटी विभाग ने मारा है, जो कि एक रूटीन प्रक्रिया है। विशाल ने अपने बचाव में कहा कि वह एक जिम्मेदार करदाता हैं और उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई के पीछे कोई और कारण होगा तो वह इसका सामना करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। सियासत से इतर बात अब झारखंड में मची भुखमरी की, जहां के अधिकारी सरकारी नियमों का हवाला देकर लोगों को मौत की राह पर छोड़ रहे हैं। एक मौत के बाद ऐसा लगा कि सरकारी अमला संभल जाएगा, लेकिन दूसरी मौत का मामला भी सामने आ गया। फिर लगा कि शायद अब तो शर्म आएगी, लेकिन न शर्म आई न प्रशासन सुधरा, बल्कि एक और शख्स की मौत हो गई। झारखंड में भूख से तीसरी मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर गांव में 62 वर्षीय रूपलाल मरांडी ने खाना ना मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। मृतक की बेटी के अनुसार उनके पिता के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन से नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से 2 महीने से उनके परिवार को राशन नहीं दिया गया। घर में राशन ना होने से पूरा परिवार खाने के दाने को तरस रहा था। उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। आखिर में जब भूख की तड़प ज्यादा ही बढ़ गई तो शरीर ने ही मरांडी का साथ छोड़ दिया। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीति तेज हो गई है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषी को सजा देने की मांग शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में कैमरे के सामने अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब भूख से बीजेपी की राज में लोग अपना दम तोड़ रहे हो। इससे पहले भी 2 मामले सामने आ चुके हैं, जहां सिमडेगा जिले में 11 साल की संतोषी कुमारी की कई दिनों तक खाना नसीब नहीं होने से मौत हो गई थी। वहीं धनबाद जिले में एक 40 साल के रिक्शा चालक की भी भूख से मौत होने की बात सामने आई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात वायुसेना की ताकत की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सैनिक विमानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। युद्ध जैसी आपात स्थिति में एक्सप्रेसवे का रनवे की तरह उपयोग करने के इरादे से यह अभ्यास किया गया। उत्तर प्रदेश में उन्नाव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जहाजों का टच डाउन किया। जगुआर, सुखोई, मिराज के साथ ही C-130 जैसे मालवाहक विमानों की लैंडिंग हुई। ये भारतीय वायुसेना का किसी एक्सप्रेसवे पर होने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशनल अभ्यास है, जिसमें 4 स्टेशनों के 17 विमानों ने हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज के लिए ग्वालियर, गोरखपुर, बरेली और हिंडन एयरबेस से विमान एक्सप्रेसवे पर पहुंचे, जिसकी मॉनिटरिंग लखनऊ हवाई अड्डे से की जा रही थी। वहीं वायु सैनिकों की इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, जिन्होंने फाइटर प्लेन के टच डाउन को अपने कैमरे में कैद किया। आपको बता दें कि पिछले साल भी आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत के समय भी इस पर विमानों ने उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास किया था। दरअसल जंग के दौरान अगर सेना का एयरबेस बर्बाद हो जाता है तो ऐसे राजमार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्व के कुछ देशों में ऐसे हाईवे और एक्सप्रेसवे पहले से ही बने हैं, जहां पर इमरजेंसी के दौरान विमानों को उतारा जा सकता है। इन देशों में पड़ोसी देश पाकिस्तान के अलावा जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे कई देश शामिल हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv। नमस्कार।